तो सीट हैंडलिंग आज की हमारी क्लास है कि जो सीट है वर्कशीट है उसको कैसे करेंगे। एक बार मैं बता दूं कि हमने चार मेन ऑब्जेक्ट हमारा एक एप्लीकेशन वर्कबुक शीट्स एंड रेंज। तो इसमें हम अभी वर्कबुक पढ़ चुके हैं कि फाइल कैसे बनाएंगे, फाइल क्लोज कैसे करेंगे, सेव करेंगे वगैरह वगैरह। अब हम बात करेंगे सीट के ऊपर कि सीट को कैसे हैंडल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक सीट से दूसरे सीट के ऊपर जाना है, एक सीट से दूसरे सीट के ऊपर क्या करना है, जाना है। तो उसके लिए यहां लिखेंगे सीट्स, ओके, सीट्स। और सीट्स के अंदर उसका नाम देंगे। जैसे मुझे सीट थ्री पे जाना है तो सीट थ्री डॉट सेलेक्ट, या एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो इसको रन करते ही आप देखेंगे कि सीट थ्री पे हमारा कर्सर चला जाएगा, सीट एक्टिवेट हो गया। बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट A1 ए चला वन चला गया। गया। हाँ, ए वन तो बाय डिफॉल्ट रहता है। नहीं, ए वन जो सीट पे सिलेक्ट, सीट टू पे भी ए वन होगा। मान लो सीट टू पे मैंने कर्सर यहाँ रख दिया तो अब की बार सीट टू पे जाऊंगा तो यहाँ रहेगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ओके, सेलेक्टेड फर्स्ट टाइम सीट बाय डिफॉल्ट ए वन पे रहेगा, लेकिन जहां पे आपने कर्सर छोड़ा है ना, नेक्स्ट टाइम कर्सर वहीं पे रहेगा। अच्छा। अब दूसरा तरीका, देखिए सीट का नाम यहाँ दिख रहा होगा। तो सीट के बेसिकली दो नेम होते हैं, कैप्शन नेम एंड प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, तो जो कैप्शन नेम है सीट के ब्रैकेट में, मतलब जो यहाँ दिख रहा है, जैसे सीट टू का नाम अगर हम कल चेंज कर देते हैं, डेटा कर देते हैं, तो क्या होगा, इसका नाम डेटा हो गया। तो कैप्शन मुझे कैप्शन कैप्शन चेंज चेंज, हाँ, तो मुझे यहाँ लिखना होगा सीट्स, और सीट्स के अंदर डेटा, ठीक है, डॉट सेलेक्ट। लेकिन यहाँ पे सीट टू है तो सीट टू से भी जा सकते हैं, कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीट टू डॉट सेलेक्ट। तो सीट टू क्या हुआ, अच्छा। ये जो सीट टू हुआ इसकी प्रॉपर्टी नेम हो उससे भी हम जा सकते हैं, और कैप्शन नेम है तो कैप्शन नेम से भी जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल तीसरा आता है सीक्वेंस नंबर की सीट। तो जैसे मुझे सीट थ्री पे जाना है तो यहाँ पे थ्री कॉमा डॉट सेलेक्ट। अब थ्री का मतलब ये नहीं कि सीट थ्री लिखा हुआ है उसमें का जो थ्री है वो थ्री को रीड कर रहा है, नहीं, पोजीशन को रीड कर रहा है। ठीक है, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री। ठीक है, पहला सीट, पहला मान लीजिए कि अगर मैं इस सीट को मूव करके रख देता हूँ यहाँ पे, तो अभी सीट थ्री कौन है, डेटा तो थ्री जो हुआ डेटा पोजीशन हुआ, क्या हुआ, पोजीशन। ठीक है, अब तीनों का यूज समझिए। जैसे कि आपका सीट फिक्स नहीं है बट नाम फिक्स है, जैसे डेटा, समरी, रिपोर्ट, ऐसे कुछ फिक्स नेम होते हैं। कि आपका सीट बार बार चेंज होते रहता है पर सीट का नेम आपका फिक्स है कि सीट का नेम होगा, तो हम सीट की कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो कि ये तरीका है। बट आपका सीट फिक्स नहीं है, सीट का नाम फिक्स नहीं है बट सीट फिक्स है। जैसे कि जनवरी अगले महीने वही जो है फरवरी हो जाएगा, उसके अगले महीने अच्छा मार्च हो जाएगा, उसके महीने कुछ और हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी, ये यूज कब करते हैं, जब मुझे पता ही नहीं कि सीट का प्रॉपर्टी नेम क्या होगा, सीट का कैप्शन नेम क्या होगा, नो आइडिया। बट हम सीट के काउंट से सीट की काउंट निकाल सकते हैं, जिससे मुझे 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबरिंग हम कर सकते हैं। अच्छा। तो याद रखिएगा, ये कैप्शन नेम, जो नेम पता हो फिक्स हो तब चलते हैं, पॉप सीट नेम, सीट फिक्स हो, नेम फिक्स ना हो तो ही चलते हैं, और कुछ भी फिक्स ना हो तो हम सीक्वेंस लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सीट पे और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम नई सीट ऐड कैसे करेंगे, तो यहां पे लिखूंगा सीट्स डॉट ऐड, एक नई सीट ऐड हो जाएगी। अब देखिए कोड में इकट्ठा लिख के सिखा रहा हूं, लेकिन आपको जो है ना इसको अलग अलग करना पड़ेगा इस तरह से। या एक नाम के दो मैक्रो नहीं होने चाहिए,
अंडरस्कोर वन कर दिया। अब सी टू ऐड का कोड जो है, ये कोड यहाँ पे इसके एक माइक्रो के अंदर रखिए तो आएगा। अब इसको रन करेंगे, यहां से रन कीजिए या माइक्रो में जाके रन कीजिए आर आर वन, तो रन होते ही क्या हो जाएगा, एक नई सीट ऐड होगी, सीट फोर। पर सीट ऐड हुई है वो कहाँ ऐड हुई है, जो सीट वन एक्टिव था ना उससे पहले ऐड हुआ है, और नेम भी सीट फोर सीट फाइव था। तो मुझे सबसे पहले पता करना है कि मैं ऐड करना चाहता हूं सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो जैसे मैं सीट को ऐड स्पेस दूंगा तो यहां पे देखिए बिफोर और आफ्टर आएगा, तो मुझे बाद में ऐड करना है तो जाहिर सी बात है आफ्टर आएगा, और यहाँ पे किस सीट के बाद में ऐड करना है उस सीट का नेम देना होगा, और सीट का नेम इस मेथड से देना होगा जो अभी अभी ऊपर मैंने आपको समझाया। तो शीट्स, और यहाँ पे हमने दे दिया डेटा, कि डेटा शीट के बाद डेट। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे डेटा शीट के बाद एक नया शीट ऐड हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है, सबसे समझे कि नहीं सर, प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है नित्यानंद जी कि नहीं? ये लेकिन जो आपने अभी ऐड किया वो लास्ट ही में तो ऐड हुआ ना, जो अभी जो आपने ऐड किया वो लास्ट में गया रहे। हाँ, अभी लास्ट में गया क्योंकि डेटा सीट हमारी लास्ट में थी, अब तो लास्ट सीट फाइव है ना, अब रन करूंगा तो सीट फाइव के बाद जाएगा, नहीं डेटा के बाद जाएगा, सीट फाइव से पहले आएगा, लास्ट में गया। तो जो हम कोड लिखते हैं, बोलिए, हेलो हाँ बोलिए, ऐसा हो सकता है कि हम शीट फाइव को फर्स्ट नंबर पर ले आए, एक काम बढ़ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे हमने बताया था सिक्वेंस नंबर को लेके भी चलते हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे सेवन डाल दूं, ठीक है? तो हर सीट के सेवन, एक मिनट, सेवन सीट नहीं, सीट ही है, माफ कीजिएगा, सिक्स ही है, सिक्स डाल दिया तो छठे सीट के बाद वो क्या कर देगा, सीट ऐड कर देगा। यहाँ देखिए ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ भी दिक्कत हो गई कि नेक्स्ट टाइम तो सेवन के बाद ही करेगा, फाइव के बाद ही करेगा, क्या तो सीट बढ़ गई ना। तो यहाँ पे एक कोड लगा सकते हैं, वो है हमारा शीट्स डॉट काउंट, शीट्स डॉट काउंट। ये क्या करेगा, ये फुल्ली डायनेमिक हो गया, ये हमेशा सीट को बाद में ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इस वाले मेथड की यूज किया, और उसको नंबर को डायनेमिक करने के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगा दिया जिसका नाम रखा शीट डॉट काउंट, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ सीट ऐड करना सीखा, और जो सीट ऐड हुआ है उसको रिनेम करना है, तो एक एक्टिव सीट भी है। तो सीट के अगली कॉलिंग मेथड क्या है, एक्टिव सीट, कि नेम इक्वल टू, मान लीजिए कि हमने डाल दिया डेटा, ठीक है? तो जो सीट ऐड हुई है ना वो डेटा के नाम से ऐड हो जाएगी। तो एक्टिव सीट क्यों किए, देखिए सीट का हम कॉलिंग मेथड इसको ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना सीट का नेम पता है, ना सीट की प्रॉपर्टी नेम पता है, ना सीक्वेंस पता है कि आप मेरा जो सीट ऐड हुआ है वो कहाँ ऐड हुआ। सही बात है। तो लेकिन मुझे इतना पता है जो सीट ऐड हुआ है वही सामने एक्टिव है, क्या जब प्लस असेंबल करके सीट ऐड करते हैं तो जो सीट ऐड होती है वही एक्टिव होती है ना, क्या सर? सीट है ना एक्टिव है, तो मैंने बोला कि एक्टिव सीट का नाम हमारा डेटा हो जाए। लेकिन मुझे डेटा सीट का नाम, डेटा नाम का सीट ही ऐड करना है, मुझे क्लास क्या हो गया? नहीं सॉरी, वो बच्चे लोग शोर मचा रहे हैं, डांस क्लास। तो यहाँ पे एक्टिव सीट डॉट ऐड, और बेसिकली मैं छत पे ले रहा हूँ क्लास सर, गर्मी बहुत थी तो छत पे लगा दिया मैं सब कुछ, ठीक है? तो
तो यहां पे मैं चाह रहा हूं कि सीट का सीट डॉट एड डॉट नेम इक्वल टू डेटा, तो क्या हुआ डेटा नाम का सीट ही ऐड करेगा। अच्छा ये तरीका हो सकता है जी, आज तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन ये कब यूज करते हैं, जब आपका पहले से फिक्स हो कि आपका सीट का नाम क्या होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सीट ऐड करने के बाद उसमें डेटा डाल के कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद सीट का नाम डिसाइड होता है, तो उस केस में ये काम नहीं करेगा ना सर। उस केस में तो मुझे इसको यूज करना पड़ेगा, सही बात है। इसके बीच में जो भी और कोड डालना है हम कोड डाल सकते हैं। तो जो भी कोड हम बता रहे हैं ना उसका हर सिचुएशन में अलग अलग होता है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में आप सेम वर्ड हर सिचुएशन के हिसाब से मतलब बदल जाता है ना सर। जैसे ओके को ले लीजिए, अगर ओके में जोर लगा के बोल दिया मतलब कि सामने वाला गुस्सा है, दो बार ओके ओके बोल दिया मतलब कि वो इग्नोर कर रहा है, मतलब कि इरिटेट हो रहा है, क्या होता है ना। नहीं, उसी तरह से यहाँ भी जो कोड आप लिख रहे हैं तो एक तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं ना एक्सेल के साथ। तो कोड सिचुएशन के हिसाब से ही आपको डालना होगा कि यहां तक जो सिस्टम पहुंचेगा तो क्या सिचुएशन उसमें बनेगी, उसके हिसाब से अगला कोड हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। एक लैंग्वेज की तरह सीखिए। तो हमने यहाँ पे सीड को ऐड करना सीख लिया, सीड को रिनेम करना सीख लिया, राइट। अब बात करते हैं किसी सीट को मूव या कॉपी करना। डेटा सीट है और इसमें मान लीजिए कि मैं डेटा भी डाल देता हूं, अब मुझे इसको मूव करना है। तो यहां पे सीट्स और सीट्स के अंदर डेटा। अब सीट्स के अंदर हमने डेटा नेम दिया, यहां पे आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इन तीन चारों में से एक को ये लेंगे, या सीट की प्रॉपर्टी नेम या कैप्शन नेम या फिर उसकी पोजीशन नेम या फिर एक्टिव सीट, ठीक है। अब यहां पे मैंने मूव कर दिया तो ये क्या करेगा, इसको एक नई फाइल में मूव कर देगा। किसमें कर देगा मूव, एक नई फाइल में। और इसका यूज हमने रिकॉर्डिंग मैक्रो में इस्तेमाल किए थे जब हमने डेटा को सेपरेट किया था। मित्रा जी वो वीडियो देखा आपने कि नहीं, रिकॉर्डिंग मैक्रो वाला इनपुट बॉक्स वाला। नाम तो देने पड़ेंगे ना, सही बात है, कॉमन सी बात है। ये क्या करेगा, यहाँ देखिए ये क्या करेगा, देखिए कोडिंग हमेशा एक्सेल के फीचर को ही ट्रिगर करता है। तो अगर इसी फीचर को आप राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे करते हैं मूव एंड कॉपी, अब इसलिए क्रिएट कॉपी पे क्लिक नहीं करेगा, सीधे क्या कर देगा न्यू वर्कबुक एंड ओके करेगा। तो आप देखेंगे एक नई फाइल में डेटा सीट आ गई ना, बुक टू में आ गई। अब इस बुक टू को सेव करके जो नाम डालना है डाल दीजिए, सही बात। और फाइल को सेव करने का कोड तो बताया था मैंने आपको। लेकिन मुझे मूव करना है इसी फाइल के अंदर सबसे लास्ट में या किसी पर्टिकुलर शीट के बाद, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा डॉट मूव और इसके बाद लगाऊंगा अपना कोड कि किस कोड में करना है, कि सीट्स और सीट्स में मान लीजिए मैंने लगा दिया सीट डॉट काउंट जैसे ऊपर लगाया था, तो सीट डॉट मूव करेगा लेकिन कहां, बिफोर कि सबसे लास्ट वाले सीट से पहले, ठीक है। फिर कॉमा लगा दीजिए तो आफ्टर में जाएगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो देखिए इस पे डॉट लगाने पे तो स्पेस लगाने पे नहीं आ रहा है ना, कोई सीट्स पे नहीं आता है मेंबर, लेकिन उसी में अगर सीट मान लीजिए कि डेटा सीट कौन सा है हमारा सिक्स है, तो सीट सिक्स डॉट मैंने मूव किया स्पेस दिया, तो देखिए दो इसमें है इनपुट, एक बिफोर है एक आफ्टर है, तो बगैर कॉमा के डालिएगा तो बिफोर में चला जाएगा। जैसे फॉर्मूला आप लगाते हैं तो फॉर्मूला के अंदर सिंटैक्स होता है ना, जैसे वी लुकअप लगाते हैं लुकअप वैली कॉमा टेबल रेंज होता है ना, तो वीवीए कोड के अंदर भी जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के भी इसी तरह के इनपुट्स होते हैं और उसी सीक्वेंस में आपको डालने होते हैं, जैसे फॉर्मूला आप सिक्वेंसली डालते हो, ठीक है।
तो सेम सीट में मूव कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि मुझे अलग फाइल में मूव करना है, मुझे क्या करना है, एक अलग फाइल में मूव करना है। अगर वो फाइल खुली हुई है तो आप इसी के आगे उस फाइल का रेंज लगा दीजिए, वर्क बुक्स और जो बुक का नाम है कि बुक वन डॉट xlsx या बुक टू, ठीक है। एक मिनट, यहाँ एक निर्मल कुमार आ गया, हाँ ठीक है, इसको बड़ा करता हूं। तो sheets data डॉट मूव कॉमा वर्कबुक वर्कबुक्स बुक वन डॉट डॉट xlsx उसकी सीट उसके काउंट। तो ये वर्कबुक वन के सबसे लास्ट वाले सीट में के बाद इस डेटा सीट को मूव कर देगा, लेकिन वर्कबुक टू ओपन होना चाहिए। अगर ओपन नहीं है तो इससे पहले आपको इस फाइल को ओपन करवाने का पाथ देना होगा, ठीक है। उसी तरह से आप मूव कर लेते हैं तो कॉपी भी है कि सीट सिक्स डॉट कॉपी, ये एक नई फाइल में कॉपी कर देगा। और अगर किसी पर्टिकुलर फाइल या सेम फाइल या पर्टिकुलर सीट में चाहिए तो मूव की जगह कॉपी कर दीजिए। तो मूव एंड कॉपी बिल्कुल सेम होता है, मूव को भी क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो सीट को मूव एंड कॉपी करना आ गया आप लोगों को। नित्यानंद जी, रचित जी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर एक बार। चलो, प्रैक्टिस तो आप ही करनी है सर, आपके बदले बराबर। नहीं नहीं नहीं, एक एक कोड है ना जो आप जो डाल रहे हैं ना, वो एक बार करके भी देखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ नीचे बताया ना, करके यहाँ पे समझाया ना आपको मैंने, बराबर ऐसे करके, इसलिए तो बताया आपको कि ऐसे कीजिएगा, ये तो मैं कोड समझा रहा हूँ। अब जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो आपको पहले वर्ड मीनिंग याद करना होता है ना, बराबर है कि भाई मैंगो से आम होता है, गो मैंने जाना होता है, कम मैंने आना होता है, तो ये पहले याद करना होगा। ये याद किया होगा ना आपने सर, क्या तो उसी हिसाब से याद किया होगा या फिर हमारे तो छठी क्लास के बाद याद किया होगा? तो उसी हिसाब से एक एक कोड डाल के मैक्रो रन करना पड़ेगा, मतलब जानने के लिए कि क्या कर रहा है। जी जी जी, अभी हम कोड समझा रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी एक बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि फिर हम अपने एलओ के हिसाब से चलेंगे। अभी तो हम कोड समझा रहे हैं ना, तो अभी आपको एक एक कोड रन करके देखना होगा, फिर उसमें कुछ चीजें एडिशन करके देखनी होगी। जैसे मैंने सी डॉट एड किया, फिर मैंने आफ्टर का लगा दिया, ऐसे आप डॉट टाइप लगा सकते हो, ठीक है। Yes. अब सीट हमने कॉपी करना सीख लिया, अब बात करते हैं डिलीट करने का। सीट सिक्स को डिलीट करना, तो सीट सिक्स डॉट डिलीट। अब डिलीट करने पे क्या हुआ कि जब भी कोई सीट आप डिलीट करेंगे एक्सेल की, तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपसे पूछेगा, तो यहीं पे एक पॉपअप आ जाएगा और आपका मैक्रो हो जाएगा बंद। मुझे इस पॉपअप को बाईपास करना, तो इससे पहले मुझे अपनी एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करनी होगी। यहां लिखना होगा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, नहीं माफ कीजिएगा, हमें कहीं और भावनाओं में बह गया, डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और फिर अगर हमने सेटिंग को चेंज किया है तो वापस ठीक भी करना होगा ना, तुमने कर दिया ट्रू। तो ये क्या होगा कि पहले डिस्प्ले अलर्ट वाली सेटिंग को चेंज करेगा, ठीक है, उसके बाद एक नई सीट सीट को डिलीट करेगा ताकि अलर्ट सामने ना आए, फिर वापस अलर्ट वाले सिस्टम को जो चेंज किया था वो उसको वापस लगा देगा, जिससे बाकी फाइलों में अलर्ट जो नहीं आएगा सो आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ डिलीट में ही हो करना है काम। जी हाँ, देखिए अगर आप सिर्फ डिलीट करते हैं ना, यहाँ पे बताता हूँ मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट
डील डेल कर दिया ब्रैकेट ओपनिंग क्लोज, और मैंने यहाँ पे कर दिया सीट सिक्स डॉट डिलीट, कर दिया ना सर। अब देखिए अगर मैं इस मैक्रो को रन करता हूँ डेल, आ गया पॉपअप सर। अब इसके नीचे का जो कोड होगा वो तभी चलेगा जब आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, अगर आप कैंसिल कर देंगे तो एरर आ जाएगा। तो फिर ये ऑटोमेशन तो नहीं हुआ ना सर? सही बात है। लास्ट टाइम की वीडियो आपने देखा था कि मैंने शेड्यूल टास्क के जरिए फुल्ली ऑटोमेट कर दिया था, याद है? देखा वीडियो आपने सर? हाँ। तो वो तो फिर नहीं हो पाएगा ना उस तरह का काम, आपकी प्रेजेंस आ जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि सेटिंग को चेंज किया और फिर यहाँ पे डिलीट किया। अब जैसे इसी कोड को, अब मैं इस कोड को यहाँ रखता हूँ, ठीक है? अब हम डेल को रन करते हैं। कुछ पूछा? नहीं पूछा, नहीं पूछा, ठीक है। तो सीट हमने डिलीट कर लिया। अब बात करते हैं सीट को हाइड करने की। तो मान लीजिए हम यहाँ सीट वन को हाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम विजुअल सेलेक्ट करेंगे। हिडन दो प्रकार, तीन दो प्रकार के होते हैं, सीट हिडन। ये नॉर्मल हिडन होगा जो कि हम राइट क्लिक करके सीट को हाइड कर देते हैं ना, ये नॉर्मल हाइड, कोई भी इसको अनहाइड कर सकता है, कोई भी लेगा उसको और अनहाइड कर देगा, ठीक है। लेकिन इसी में मैं डालता हूं सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन। अगर मैं वेरी हिडन किया तो फिर राइट क्लिक करके कोई अनहाइड नहीं कर पाएगा। अनहाइड करने के लिए उसको कोड ही लिखना होगा कि सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू सीट विजुअल, ठीक है। अब हाइड के बाद हम करते हैं प्रोटेक्ट, सीट वन डॉट प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट होगा तो पासवर्ड होगा, तो जैसे स्पेस मारेंगे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अभी बाहर बहुत सारा ऑप्शन क्या है कि जब हम राइट क्लिक करके सीट को करते हैं प्रोटेक्ट, तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे चेकबॉक्स है ना। ऐसे मुझे मान लीजिए सॉर्टिंग अलाउ करनी है, राइट, तो इस पर क्लिक करूंगा। अब ये चीज यहाँ वीवी के थ्रू करने के लिए आपको ट्रू लिखना होगा। अब कैसे जाएंगे तो कॉमा कॉमा करके अब जाएंगे आप, जैसे आप फॉर्मूला में जाते हैं ना। सही बात है, यहाँ पे हम कर देंगे ट्रू। और बोलेंगे सर तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि फिर कितना कॉमा डालेंगे, कैसे पता चलेगा, क्योंकि तो फिर यहाँ पे जब हम सीट्स वाला इस मेथड अपनाएंगे तो फिर तो आएगा नहीं इस सजेशन क्या। तो उस केस में सीट वन डॉट हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोटेक्ट, यहाँ पे देते हैं पासवर्ड, जो लिखा हुआ है ना सेम लिखिए पासवर्ड और कॉलन इक्वल, अब यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिए कॉमा। अब क्या है अलाउ सॉर्टिंग, जो स्पेलिंग है सेम यहाँ पे लिखिए अलाउ। अभी ये देखिए बोल्ड नहीं है ना, लेकिन जैसे अलाउ सॉर्टिंग में देखो लिखूंगा SORTING सॉर्टिंग कॉलन इक्वल करूंगा, देखिए बोल्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिर्फ ये प्रोटेक्ट के लिए ही नहीं, जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके मेंबर, चाहे वर्कबुक हो, शीट्स हो, रेंज हो, कुछ भी, सब पे मेथड लागू है। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड आपने सीखा हाँ। कि आपके आप जो कॉमा कॉमा करके जा सकते हैं या फिर आप इस तरह से लिख के जा सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया सर नित्यानंद जी? हाँ। सर इसमें जो है ना अभी ये VLOOKUP में कैसे है कि हम लोग को कॉमा कॉमा मतलब वो कौन सा रेफरेंस है वो पता चल जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें इसमें वो कैसे मालूम पड़ेगा, मतलब वो एक एक करके उस हिसाब से आपने कॉमा कॉमा डाला है क्या? जी हाँ, यहाँ देखिए जैसे मुझे स्किप करना है ना, ये सब फीचर नहीं डालने, स्किप करने के लिए तो हमने कॉमा डाल, जैसे होता है ना आपको आप PMT का ही फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ मान लीजिए कि मैं इक्वल PMT का फॉर्मूला लगाया,
तो पीएमटी के फॉर्मूले में मान लो पीवी देना है, एफवी को स्किप करना है, एफवी देना है तो पीवी को स्किप करना है, तो इसके जगह पे ब्लैंक कर देते हैं ना, बराबर। उसी तरह से मैंने ब्लैंक कर दिया, मतलब कि हमने स्किप कर दिया, और डिफॉल्ट जो होगा सो डालेगा। ओके ओके ठीक है ओके। तो हम सीट्स के साथ क्या यही करते हैं ना, हम एक सीट से दूसरी सीट पे जाते हैं, हम सीट के ऊपर सीट ऐड करते हैं, सीट को रीनेम करते हैं, सीट को मूव या कॉपी करते हैं, सीट को डिलीट करते हैं, सीट को हाइड या अनहाइड करते हैं, ये, और सीट को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और अनप्रोटेक्ट करते हैं। तो अनप्रोटेक्ट के लिए सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट, और अनप्रोटेक्ट करके स्पेस करके पासवर्ड डाल दीजिए अपना, और पासवर्ड नंबर डायरेक्ट डाल दिया, नंबर टेक्स्ट या टेक्स्ट हुआ तो इन्वर्टर को हमें डालिएगा, यही करते हैं ना सर। बराबर। तो आप एक एक लाइन को कीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि डेटा वगैरह जो हम टाइप करते हैं तो रेंज पे करते हैं ना, ठीक है। तो जी 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 हाँ जी बोलिए। अच्छा इसमें ये तो सब, ये तो प्रोसीजर हो गए, अब आने वाले टाइम पे हो सकता है क्या फंक्शन बताएं, वो फंक्शन जो रिटर्न करे कुछ वैल्यू।